इंदौर में चैत्र नवरात्रि पर महिला थाना पुलिस ने एक विशेष अभियान चलाते हुए आई बस में सफर कर रही महिलाओं और युवतियों से चर्चा की। उन्हें इंदौर पुलिस द्वारा महिला सुरक्षा को लेकर चलाए जा रहे विभिन्न योजनाओं की जानकारी भी दी गई। महिला थाना पुलिस ने भी महिलाओं की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए एक विशेष अभियान चलाया। इस अभियान के तहत महिला थाने में पदस्थ महिला आरक्षक सिविल ड्रेस में आई बस में बैठी और आई बस में सवार युवतियों और महिलाओं की सुरक्षा का जायजा लिया। महिला थाना प्रभारी ज्योति शर्मा ने बताया, आई बस में सवार महिला व युवतियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह अभियान चलाया गया है। इसके साथ ही इस अभियान के तहत महिला यात्रियों को पुलिस विभाग द्वारा महिला सुरक्षा को लेकर चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी भी दी गई। सही एजेंसी में पहुंच सके, हम तक पहुंच सके, बस इसीलिए ये सारी चीजें हम लोग कर रहे हैं और ये हमारी एक छोटी सी कोशिश है सेफ सिटी इंदौर के लिए। देखिए, स्कूल कॉलेजेस में तो हम पहले भी चला चुके हैं, लेकिन ये एक चीज़ ऐसी थी जो इंदौर में बहुत यूज हो रही है। एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक बसेस चलती हैं और लोग बहुत ज़्यादा उसमें बैठते हैं, बच्चियां हैं, महिलाएं हैं, इवन पुरुष भी जो उसमें पुरुष बैठे थे। मैंने उनसे भी अपील की कि आप लोगों की माताएं हैं, बहनें हैं, दोस्त हैं, आप लोगों को उन्हें सपोर्ट करना है, उनको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए उनको हेल्प करना है। तो यही है हम लोग का एक ड्राइव जो हम लोग अभी कंटिन्यू चलाएँगे।